नमस्कार दोस्तों, वेस्ट टू वंडर में आपका स्वागत है। मेरे पास ये प्लेट होल्डर एक वेस्ट पड़ा था, तो उसको हम बुक होल्डर में यूज़ कर लेंगे। तो इस प्रकार हम इसका एक बहुत अच्छा उपयोग में ले रहे हैं और इसका उपयोग कर भी रहे हैं। काफ़ी किताबें इसके अंदर रखी जा सकती हैं और हमने रख ली है। और एक ये पेपर बैग जो कि देखने में बहुत सुंदर है, इसको हम खाली बोतलें वगैरह रख सकते हैं। खाली बोतलें रखकर इसको हम एज इट इज टांग भी सकते हैं, या टांगना नहीं चाहते हो तो इसको हम कहीं भी कॉर्नर में एक साइड में खड़ा करके इस तरह से रख सकते हैं। तो मैंने इसको कॉर्नर में रख दिया है और सारी खाली बोतलें एक साइड में रख दी है और ये कॉर्नर मैंने कर दिया है बंद। अगली टिप है कि सुई का पैकेट इस प्रकार आता है जो हम कट्ठे ले लेते हैं, तो उसको काटना नहीं चाहिए। उसमें से जैसे सुई चाहिए उसमें से एक सुई इस प्रकार निकालिए और उसका सुई निकाल के इसको रख दीजिए। तो अब ये सुई इसमें से फैलेगी नहीं। हम छोटी छोटी स्लेपे, यदि हमारी किचन छोटी है तो हम इस तरह से स्लेपे रख के उसको सेट करके रख सकते हैं। तो हमने छोटी छोटी स्लेपों में छोटे डब्बियां सेट कर रखी है। अगली टिप है, जैसे हम बड़ा पपीता या कुछ भी जो बड़ा फल होता है वो ले आते हैं और वो पूरा ख़त्म नहीं होता है, ये सफ़ेद पेठा है, तो इसको जो बच जाता है उसको हम प्लेट में उल्टा करके और इस प्रकार फ्रिज में रख सकते हैं। अगली टिप है, यदि कुकर में हम दाल खिचड़ी कुछ भी जो बनाते हैं वो सीटी से बाहर निकल आती है, तो सीटी से बाहर ना निकले इसके लिए हमने उसमें एक चम्मच डाल देनी चाहिए और ऊपर से घी डाल देना चाहिए, तो वो सीटी से बाहर नहीं निकलेगी दाल या खिचड़ी, और उस पर लगा दीजिए। तो इस प्रकार हमारी खिचड़ी या दाल सीटी से बाहर नहीं आएगी। अगली टिप है कि जो किचन के हैंकी होते हैं वो काफ़ी गंदे हो जाते हैं, उन्हें हम नॉर्मल कपड़ों के साथ नहीं धो सकते हैं, तो उसको अलग ही धो लेना चाहिए। इस तरह से थोड़ा सा पानी लिया है और उसके अंदर किचन टॉवल हमने डाल दिया और उसमें डिटर्जेंट डाल दो, मीठा सोडा डाल दो और उबा उस पर थोड़ा सा हल्का सा गर्म पानी करके उसको घुमा दो, तो ये अपने आप उसका सारा मैल चिकनाई सब निकल जाएगी। और इसको ठंडा होने के बाद इसके एंकी को सुखा दीजिए, धो के सुखा दीजिए नॉर्मल पानी से। बारिश के दिनों में चीनी में अक्सर चींटियां लग जाती हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके अंदर हम लौंग रख के और ढक्कन लगा देंगे, चींटियां नहीं आएंगी। आटा ये अक्सर बारिश के दिनों में जल्दी ख़राब हो जाता है, तो हम तेज पत्ता इसके अंदर डाल देंगे तो आटे की लाइफ बढ़ जाएगी। तो हमने इस प्रकार इसमें डाल दिए हैं पत्ते। यदि सिंक में से बारिश के दिनों में बदबू आ रही है या डांट लग गई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसमें मीठा सोडा डाल देंगे और मीठा सोडा डालने के बाद ऊपर से गर्म पानी डाल देंगे तो ये हमने ऊपर से गर्म पानी डाल दिया है, तो इस प्रकार डाट भी खुल जाएगी नाली की और बदबू भी दूर हो जाएगी। तो हमारा सिंक साफ हो जाएगा। अगली टिप है, जब स्लेप बार बार गीली होती रहती है, बर्तन रखते हैं तब गीली हो जाती है, तो हम कपड़े वाले पोछे से हम इसे साफ करते हैं। तो बारिश के दिनों में कपड़ा भी नहीं सूखता है जल्दी सी
और उसमें बदबू भी आने लगती है। तो कपड़े का हम पोचे का यूज ना करके हम वाइपर का यूज करेंगे तो ये समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा कि कपड़ा हम सुखाएं और धोएं। तो वाइपर का यूज करने से हमें आसानी रहेगी और बारिश के टाइम अक्सर बारिश ये दिनों में जो लकड़ी के चमचे प्लास्टिक के चमचे जो होते हैं इनमें फैक्चुला तो इनके अंदर फंगस लग जाती है, तो इनमें फंगस ना लगे इसके लिए हम गर्म पानी लेकर और गर्म पानी में डिश पर डाल के और स्पंज से ठीक से रगड़ेंगे और साफ कर देंगे। स्पंज से इनको ठीक से जो इनकी जाली वाली है इसका हैंडल है वो सब अच्छे से साफ कर देंगे और गर्म पानी में इनको धोएंगे और फिर इनको ठीक से धो के और एक एक जाली एक एक हैंडल सही से रगड़ के साफ कर लेंगे और फिर सूखे कपड़े से हम इन्हें सुखा लेंगे और सुखाने के बाद कुछ समय धूप में भी रख देंगे ताकि इनमें फंगस ना लगे। तो इस प्रकार हमने सारे फैक्चुला साफ कर लिए हैं। बारिश में अक्सर सूजी दलिया इनमें कीड़े लगने का डर अधिक रहता है तो इनको हल्का सा ड्राई रोस्ट करके और ठंडा करके वापिस डब्बे में एयरटाइट डब्बे में भर के रख दीजिए। नॉनस्टिक बर्तनों में अक्सर इनकी नॉनस्टिक परत खराब हो जाती है तो परत बनी रहे तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इसको हल्के हाथ से स्पॉन्ज से साफ करेंगे और जो लोहे का तवा होता है इसको हम स्टील वाले स्क्रब से साफ कर सकते हैं। किसी दीवे से या पत्थर के टुकड़े से इनसे नहीं रगड़ना चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी एक परत होती है वो उतर सकती है और उसके बाद में इसके ऊपर जंग आ सकता है तो जंग नहीं आना चाहिए इसमें। अगली टिप है यदि हम दाल बनाते हैं तो दाल को पहले उबाल लेते हैं और उबालने के बाद अलग से छौंका डाल देते हैं। अलग छौंका डालने पर दाल अधिक टेस्टी बनती है। तो इस प्रकार हमने दाल अलग से उबाल के और फिर छौंका बनाया है इसके लिए। अगली टिप है कि अक्सर हमारे पास इस प्रकार के मसाले पाउच होते हैं तो इनके अंदर जिप लॉक होती है तो हम ज़्यादातर इसमें से मसाले निकालते हैं और जिप लॉक को ठीक से नहीं बंद करते हैं या गलती से रह भी जाते हैं तो उसके अंदर कीड़े पड़ने का अधिक डर रहता है मसाले में। ये इस प्रकार जिप लॉक होती है तो हमें इसको अच्छे से दबा के बंद कर देनी चाहिए फिर ये इसमें कीड़े पड़ने की संभावना कम हो जाती है और बारिश के दिनों में ये सेफ हो जाएंगे मसाले हमारे सेफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार ठीक से बंद करके रखना चाहिए। अक्सर जब हम रोटी बनाते हैं तो स्लेब पे आटा फैल जाता है सूखा आटा बनाते वक्त तो उसके लिए हमें नीचे कपड़ा बिछा लेना चाहिए और कपड़ा बिछा कर फिर रोटी बनानी चाहिए जिससे कि सूखा आटा जितना भी फैले वो कपड़े के ऊपर ही फैलेगा और फिर हम उस कपड़े को उठा के सिंक में इसको झाड़ देंगे। तो इस प्रकार हमारा प्लेटफार्म साफ रहेगा। अगली टिप है अक्सर जब हम अरबी छीलते हैं तो हमारे हाथों में इचिंग होती है तो इचिंग से बचने के लिए हम कोई भी खाद्य तेल ले लेंगे और तेल ऑयल लेकर हाथ पे रब कर लेंगे और फिर हम अरबी छीलेंगे तो हमारे हाथ पे इचिंग नहीं होगी और अरबी भी हम ठीक से छील पाएंगे। अब हमारे हाथ पे इचिंग नहीं हो रही है और ये हमने अरबी छील ली है। ये अरबी हमारी छील गई है। तो अरबी को हम किसी भी शेप में काट सकते हैं लंबी गोल और उसमें बनाने से पहले उसमें नमक मिलाकर रख देंगे
तो ये लिस लिसी नहीं बनेगी। अब इसमें हम नमक मिला के रख देंगे तो, और आधा घंटे बाद या एक घंटे बाद इसको धोकर हम बना लेंगे, तो इस प्रकार इसमें लेस नहीं बनेगा। तो वीडियो कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये हमारे गार्डन में भी फूल काफ़ी अच्छे खिल रहे हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।